क्या रूप है, क्या हुस्न है, क्या जमाल है, वो भीड़ में भी आए तो तन्हा दिखाई दे। एक ऐसी ही फनकारा जो खूबसूरत भी है, खुश इखलाक भी है, खुश लिबास भी है, बहुत सारी खुशियों की मालिक, जो हम सब के लिए खुशियों का बायस बनती है, हमारी बड़ी ही काबिल फख्र फनकारा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की। हाल ही में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन का खिताब दिया गया और वो गलत नहीं था। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगी फिल्म स्टार रीमा। आप सब की इतनी अच्छी अप्रिसिएशन देखकर मैं आप सबकी तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ, और मेरी तरफ से आप सबको और सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। कंपटीशन कैसा लगता आप? उमर, मुझे पहले दिन से ही कंपटीशन का सामना है और मेरी हमेशा दुआ रही है कि मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो मजबूत हो और उसके फनी उम्र उसकी जो हो उसकी मुझसे ज़्यादा लंबी हो। अच्छा। क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर मजबूत होगा तो उतनी ही लंबी आपको उम्र मिलेगी। अच्छा रीमा, आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बताइए किस बात की? किस बात की आप बताइए? मैं ये बताना, इस बात की खुशी हो रही है कि मैंने जब आपको देखा था तब भी आप नंबर वन थे, अब देख रहा हूँ फिर आप नंबर वन। खुशी इस बात की हो रही है कि अपने दोस्त एक ही पोजीशन पे होल्ड करें, वहीं रहें, दिल कितना खुश होता है अपने लोगों को देख के। आपको खुशी होती है इतनी कामयाबियों की? बहुत, क्योंकि मेहनत के बाद जो चीज़ मिले उसकी बहुत खुशी होती है। रही बात नंबर वन की, तो ये तो एक सर्कल चल रहा है, कल कोई और थी, आज मैं हूँ, आने वाले वक्त में कोई और होगी। तो कोई मकाम हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल है उस मकाम को मेंटेन करना, और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। नहीं नहीं, आप इंशाल्लाह ताला मुश्किलों से निकल जाएंगी। मेरे नज़दीक तो सबसे ज़्यादा मुश्किल बात मकाम बनाना नहीं, मकान बनाना है। अच्छा रीमा, कैसा लगता है आपको, इतने हीरोज के साथ आपने काम किया? हाँ, मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ ये क्रेडिट मुझे जाता है कि मैं हीरोज़ की सिल्वर जुबली कर चुकी हूँ। मैंने हर एक से ये सवाल किया है और सबसे जवाब लिया, इसलिए जवाब आपको भी देना है जी। एक बात बताइए, ये प्यार का नाटक करते करते, नाटक है ना हम लोग जो करते हैं कि झूठ करते करते, साजिद मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, या आमिर तुम्हारे बगैर ज़िंदगी अधूरी है, या फलां ये फलां, ये करते 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 ये एक कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान जो है वो मेरा मतलब है। उमर, प्यार एक बहुत लतीफ बहुत खूबसूरत जज्बा है, अब आप उसको जो मर्जी रंग दे दीजिए। अच्छा, अभी रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है टाइटैनिक, आप उसमें देखिए प्यार को कितना खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है। इतना पानी उस फिल्म में कि मैं निकर पहन के फिल्म देखने गया। आपको उसकी कौन सी बात अच्छी लगी टाइटैनिक की? उसमें मुझे जो सबसे खूबसूरत बात लगी है कि वफा जो है वो अरसा नहीं मांगती, कि किसी के साथ आपकी 100 साल की रफाकत हो या महीनों की हो तो आप उससे वफा करें। अगर आपने किसी से वफा करनी है तो उसके लिए एक पल बहुत है, जो टाइटैनिक में दिखा। वाह वाह, उसकी कोई और चीज़ उसके एक? मुझे उसका गाना बहुत अच्छा लगता है, सेलिन डियोन ने गाया था। किसने गाया था? सेलिन डियोन। तो ये गाना क्या गुनगुना भी लेती हैं? Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you, the love, far across and distance and spaces between. Thank you.
वैसे कोई गाना बहुत पसंद है आपको? वैसे तो मेरे काफी गाने पसंद है, लेकिन पर्सनली मुझे अपना एक गाना बहुत अच्छा लगता है, चोर मचाए शोर फिल्म का नाम था और गाने के वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। कौन से? ओ सनम ओ सनम, वो लोगों में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। मुझे ओ सनम गीत को गाने के लिए, चूंकि खुशियों का दिन है तो मुस्कुराने की बात होनी चाहिए, खुशियों का दिन है मुस्कुराने की बात होनी चाहिए, खुशियों का दिन है खुशियों की बात होनी चाहिए, और खुशियों को दुबला करने के लिए कराची से यहाँ आकर के गीत गाए, बड़ी छोटी उम्र से गुलकारी कर रही है।